So hi, hello everyone. I hope you all are fine here. And our today's session will be on most important questions. और जिसमें हम देखेंगे वो सभी important questions जो अभी अपने CDSN 2019 के लिए important हैं. Historical background of the Constitution of India. Okay, historical background of the Indian Constitution के सवालों को हम face करेंगे यहाँ पे. MCQ के form में जो सारे questions हैं उसको attempt करेंगे. और साथ साथ आपको बता दूं कि अनअकैडमी की वेबसाइट पे और लर्निंग ऐप में आप प्लस सेक्शन में कई सारे हेल्पफुल कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं. वहाँ पर लर्निंग ऐप में या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके प्लस टैब में आप देखेंगे कि वहाँ पर क्लासेस चलती रहती हैं, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर क्लासेस में आप एनरोल कर सकते हैं. ओके, और ये जो अपना सेशन होगा 1 आवर सेशन होने वाला है, ठीक है. और इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो अभी अपने अपकमिंग CDS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है 3 फरवरी को एग्ज़ाम होना है और अब सारे क्वेश्चंस को हमको डील करना है यहाँ पे. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. अपना जो टॉपिक होगा क्वेश्चंस ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपना इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला ही चैप्टर आता है जिसको हम पढ़ते हैं. उसमें जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773. फिर पिट्स इंडिया एक्ट है, फिर आपके 4 चार्टर एक्ट आते हैं, ठीक है. तो ये चैप्टर जो है, फिर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, ठीक है, 1858. और फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, फिर अपना 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है. उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और सभी क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सारे डायमेंशंस को, सारे एरिया को कवर करते हुए. और ये जो अपना सेशन होगा यहाँ पे हेल्पफुल है किसके लिए, ऑफकोर्स फॉर CDS, और साथ साथ CEPF के जो एस्पिरेंट्स हैं, CEPF की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो आप सभी को पता ही होगा कि CEPF की जो सिलेबस में चीज़ें आती हैं, ऑल्दो CEPF भी जो कंडक्ट कराया जाता है इट इज़ बाई UPSC एंड CDS इज़ ऑल्सो कंडक्टेड बाई UPSC. तो अपने पॉलिटी के 20 से 25 क्वेश्चन CDS में आते हैं, 22 से और यहाँ पर की 28 तक क्वेश्चन जो है CEPF में आते हैं. तो आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं अगर एक दूसरे एग्जाम्स के पेपर्स को भी आप देख के सॉल्व करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दूसरे के एग्जामिनेशन के भी देख के हेल्प मिल जाती है. NDA के लिए ऑफकोर्स मिलेगी, FCAT के लिए तो चूंकि आप अगर CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो FCAT का भी आपको GS का पार्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में भी ये जो है हेल्प करने वाला है. यहाँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा मेरे बारे में. मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव है, एक स्टार और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे. आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, BA प्रोग्राम में ग्रेजुएशन की है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में, एंड आई हैव क्वालिफाइड UPSC CDS एंड FCAT फॉर मल्टीपल टाइम्स. आई ऑल्सो अपीयर्ड इन SSB एंड NCCC सर्टिफिकेट विथ A ग्रेड मैंने कम्प्लीट की है. ये मेरी प्रोफाइल लिंक है, या आप अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हैं अखिलेश यादव के नाम से, वहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल अपीयर होगी. ओके, प्रोफाइल अपीयर होगी तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कुछ इस तरह लर्निंग ऐप में आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आएगी. यहाँ पर आप देखेंगे कि 65,000 व्यू मैंने पूरा कर लिया है और 4.2K फॉलोअर्स हैं और 45 कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी अभी यहाँ पर चल रहे हैं. तो इन सब का आप बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ आपको नज़र आएगा वेबसाइट पर. ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट. ओके, किस एक्ट से लेजिस्लेटिव, कौन से एक्ट से जो है काउंसिल ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये पावर आई कि वो बजट को डिस्कस कर पाए. ऑप्शन ए है अपना इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, बी जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, सी जो है अपना इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है, और डी है अपना इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919. जो लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं सभी लोग को आंसर देना है इसका. किस एक्ट के तहत जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया अथॉरिटी मिली, पावर दी गई कि वो बजट्स को डिस्कस कर पाएं,
ऑप्शन ए है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, थ्री है जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, या फिर सी जो है डी जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर मैं आप सभी को बता दूं होगा अपना बी, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। और इस एक्ट में क्या हुआ था, देखिए द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें जो चीज़ें हुई थी कि भाई इट वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यूके की पार्लियामेंट ऑफ यूके की पार्लियामेंट का ये एक्ट था जिसके तहत ये बताया गया कि भाई अथॉरिटी दी गई टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ब्रिटिश इंडिया। तो उस समय इंडिया को एक ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रिटिश एक लार्जेस्ट इंपीरियलिस्ट पावर थी और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को एक्वायर की हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ब्रिटिश जो है उसने इंडिया पर भी कब्जा कर रखा था, तो उस टाइम के पीरियड को हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। नाउ दीज मेंबर जो हैं जिसमें मेंबर्स थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, दे कैन पुट क्वेश्चंस विद सर्टेन लिमिट्स टू द गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर गिविंग 6 डेज नोटिस। पब्लिक मैटर पे जो है लोगों से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, पब्लिक डोमेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ रिक्वायरमेंट थी कि आफ्टर गिविंग 6 डेज प्रायर नोटिस, यानी कि 6 दिन पहले नोटिस देना होता था, बट नन ऑफ देम वाज गिवन द राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। और तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था इसके तहत जो है बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा, किस एक्ट के तहत ये पावर दी गई कि एक सुप्रीम कोर्ट कैलकटा में इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। ए है अपना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बी है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो क्विकली यू ऑल हैव टू आंसर कि किस एक्ट के तहत जो है एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, सबको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए जो है अपना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बी 1784 एंड सी जो है 1813 एंड डी जो है 1833। तो इसमें जो आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं बता दूं आप सभी को जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं अभी अपकमिंग सीडीएस एग्जामिनेशंस और एफकेट एग्जामिनेशंस, ठीक है, सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपना टॉपिक यहाँ पे। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, ओके, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत जो है बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए और कहाँ पर, कलकत्ता में खोला गया था। और इसके साथ साथ क्या क्या मेजर इम्प्रूवमेंट्स हुई थी कि भाई ये सबसे पहला एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत गवर्नर की पोस्ट क्रिएट की गई, ओके, सबसे पहली गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्रिएट किया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था, और सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता था, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था, और ये थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है अपने एग्जाम में, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स जो थे, ओके, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स जो थे ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। अब चलिए बढ़ते हैं आगे देखेंगे, तो देखिए प्रोविजन था एस्टेब्लिश करने का सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकटा, कैलकटा को फोर्ट विलियम भी बोला जाता था, और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो था चेन्नई में। इट वॉज प्रोवाइडेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सर एलिजा एम्पे जो थे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो एलिजा एम्पे जो थे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये आपको याद रखना है, ओके। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे आप सभी के सामने, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड, किस एक्ट के तहत, ओके गुड इवनिंग, किस एक्ट के तहत यहाँ पे जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट की गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सबको यहाँ पे आंसर देना है, ऑप्शन ए बी सी डी में करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस एक्ट के तहत एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट की गई थी, ओके। तो देखिए अभी हमने ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन ही डिस्कस किया, ये तीसरा क्वेश्चन है, तो आप सभी को जो यहाँ पे अभी अभी जुड़ रहे हैं सबको आंसर देना है। पीछे हमने देखा था तो वो था सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, कैलकटा में,
ठीक है, वो था कैलकटा में। अब ये जो है एक फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, किस एक्ट के द्वारा, ए बी सी डी में बताना है आप सभी को। देखिए इसका होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये तीनों गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ओके, फेडरल, और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं, अगर बताया जाएगा कि फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओके, वैसे तो कनाडा से लिया गया है जो फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो फेडरेशन की बात की जाती है और जो कई सारी बॉरोविंग्स है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ली गई हैं कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओके, तो फेडरल कोर्ट इंडिया में क्रिएट की गई, जैसे कि अभी हम देखते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी या इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी, जहाँ पे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है। ठीक है, हायरार्की ऑफ कोर्ट में हम देखते हैं कि भाई टॉप मोस्ट जो है, यहाँ पर एपेक्स बॉडी जो है अपनी, ये होती है सुप्रीम कोर्ट, आपकी मिडिल में हो जाती है फिर यहाँ पे हाई कोर्ट, और जो लोअर कोर्ट जो यहाँ पे सबसे नीचे हायरार्की में सबसे नीचे, ये होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो एपेक्स बॉडी है कौन सी यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम लॉ मेकिंग, द सुप्रीम जुडिशल बॉडी ऑफ इंडिया, ये एक तरीके से जस्टिस प्रोवाइड कराती है। और इसे सुप्रीम कोर्ट को हम क्या किस नाम से जानते हैं, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और साथ साथ बोलते हैं इसे गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब देखिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से एस्टेब्लिशमेंट किया गया ऑन 1 अक्टूबर 1937, सर मॉरिस गॉयर जो थे बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस फेडरल कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको लिस्ट 1 प्रोवाइडेड है और लिस्ट 2 यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो लिस्ट 1 को यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 2 से, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो सबसे पहला है देखिए, यहाँ पे ए में है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये किस एक्ट से हुआ। बी जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आई गेस इसका आप सभी आंसर दे पाएंगे अगर अभी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ किया है, तो इसको जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। सी जो है परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, और डी जो है अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन दी गवर्नर जनरल्स काउंसिल। तो इसको आंसर करना है, यहाँ पे ए बी सी डी में कौन सा मैच करेगा फ्रॉम दिस गिवन ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 में, और आपको यहाँ से कोड जो है ए बी सी डी करके दिए हुए हैं, इसमें आपको आंसर करने हैं चारों में से, विच वन विल बी दी करेक्ट आंसर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, तो ये तो अभी अभी जो है हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट खोला गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। ओके, सुप्रीम कोर्ट अपना खोला गया है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो डेफिनेटली ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी का जो है 1 हो जाएगा। अब आपको देखना है, अब देखिए अगर एक स्ट्रैटेजी मैं यहाँ बताऊंगा कि अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं भी पता है, तो अब देखिए एक भी पता है आपको, तो अगर मान लीजिए बी को है, बी का आपका, बी में आप श्योर हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से हुआ था, तो आप बी में देखेंगे जहाँ पर केवल एक में ही मैच हो रहा है, बाकी सब में अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं एक स्मार्ट तरीके से अपने करेक्ट आंसर पे पहुंचना, एक क्लू पकड़ा आपने, एक आंसर को, एक ऑप्शन को पकड़ा, उससे जो करेक्ट आंसर निकाल लिया। ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं जो अपने सी डी एस, सी ए पी एफ के और सभी एग्जाम्स में, क्योंकि 4 एम सी क्यू होते हैं, एक का आपको पता है तो डेफिनेटली फिर करेक्ट आंसर हो जाता है मैच करने में। अब देखिए इंडिविजुअली जानेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात की गई थी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात की गई, ये आया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बात की गई थी, तो अपना ए का ऑप्शन हो जाएगा जो है 2, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, ये हुआ अपना चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, और अपॉइंटमेंट किया गया लॉ मेंबर का गवर्नर जनरल काउंसिल में, ये हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे अब, अंडर विच एक्ट डायआरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। डायआरकी जो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी सेंट्रल लेवल पे, वो किस एक्ट के थ्रू की गई थी। ए है एक्ट ऑफ 1909,
बी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर डी जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आपको आंसर देना है इनमें से ए बी सी डी में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना। ओके, तो चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल बाई विच एक्ट? एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1939-35, या फिर एक्ट ऑफ 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसका करेक्ट आंसर देना है आप सभी को। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरकी को जो है स्टेट और सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, ठीक है, इसमें कई सारे मेजर चेंजेस किए गए थे, उनको मैं बताऊंगा। कि एक तो सबसे पहली बात, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इसमें 10% लोगों को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करे गए थे, वोटिंग राइट्स। दूसरा जो है कि भाई एक ऑल इंडिया सर्विस की बात की गई, और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी अपने इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही। ओके, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने इस चैप्टर से, जैसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इनके बारे में हमने अभी देखा था, कौन थे? लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर अगर पूछता है दूसरा क्वेश्चन कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये थे विलियम बेंटिक। ये थे विलियम बेंटिक। और बोला जाए कि अगर, ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि भाई फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिक। ओके, और ये विलियम बेंटिक आए थे किस एक्ट से? आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ओके, इसमें अब देखिए, डायरकी जो थी ये इंट्रोड्यूस की गई थी एट सेंट्रल लेवल इंस्टेड ऑफ प्रोविंसेस इन्शार्ज्ड इन दी एक्ट ऑफ 1919। फिर क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया, जिसने प्रपोज किया कि ऑल इंडिया फेडरेशन को जो है सेटअप किया जाए, कंप्राइजिंग द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। नाउ द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रिमेंड इंटैक्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें और क्या क्या फीचर्स थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, कि भाई देखिए डायरेक्टली इंट्रोड्यूस की गई थी 1919 में। फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ये प्रपोज किया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन सेटअप किया जाएगा ब्रिटिश प्रोविंसेस एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स का। तीसरा जो है कि सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट होनी चाहिए, और एंड इट रिमेंड इंटैक्ट। चौथा जो है अपना कि बर्मा जो है, आज आप जानते हैं म्यांमार के नाम से, उसको इंटरचेंजेबली बर्मा भी बोला जाता है। तो बर्मा जो है इंडिया से अलग हुआ, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1937। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 1937 में सेपरेशन हुआ था ऑफ बर्मा। फिफ्थ पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो है इट अबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विच वॉज क्रिएटेड इन 1858। तो डू रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस जो है ये खोला गया था कब आपका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। इसको फर्स्ट एक्ट, इसको बोला जाता है कि भाई एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच एक्ट इज नोन फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, तो अपना चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हेलो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन आई थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उसको अबॉलिश कर दिया गया था। अब आइए आते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का कौन सा एक स्पेशल फीचर था आपको बताना है। ऑप्शन वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डायआरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि भाई इंट्रोडक्शन किया गया किस
सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स का फॉर मुस्लिम्स, थर्ड जो है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। तो ऑप्शन ए है ओनली वन, बी ओनली टू एंड थ्री, सी इज वन एंड थ्री, एंड ऑप्शन डी इज वन टू एंड थ्री। वी ऑल हैव टू अटेम्प्ट इट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर या प्रिंसिपल फीचर क्या है। पहला जो है कि भाई डायरकी जो होगी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस की जाएगी। दूसरा जो है सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे किसको, मुस्लिम्स को। तीसरा जो है डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय दी सेंटर टू दी प्रोविंसेस। तो क्विकली आंसर इसका बताना है आपको। ऑप्शन ए बी सी डी में करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कि डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। और तीसरा जो है यहाँ पे सही है कि डेवोल्यूशन किया गया, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाई दी सेंटर टू दी प्रोविंसेस। ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट थी यहाँ पे, ओके, उसे डायरकी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, इसी को हम बोलते हैं डायरकी। अभी आगे हम समझेंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, ये दो लिस्ट थी, ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। और ये जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, 1909, जिसको हम किस नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है इसको हम जानते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोंटेग्यू चैम्फर्ड रिफॉर्म, इस नाम को आपको याद रखना है, ठीक है। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म में, इसमें देखिए मोरले जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे ये थे वाइसराय ऑफ इंडिया। लाइकवाइज मोंटेग्यू जो थे ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटेन में थे, और चैम्फर्ड जो थे लॉर्ड चैम्फर्ड ये थे वाइसराय ऑफ इंडिया। तो इन एक्ट्स का ये नाम था। और जो है 1909 के तहत जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन रखा गया था कम्युनल इलेक्टोरेट का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और देखिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे बोला जाता है, ये बताना है आप सभी को, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है, ओके। लॉर्ड मिंटो को हम बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि मोरले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ था 1909 में, इसमें अलग से मुस्लिम्स के लिए रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया गया था। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जो है ये पास किया गया था कहाँ पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। दिस एक्ट एम्बॉडीड द रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन द रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि उस समय थे एडविन मॉन्टेग्यू एंड द वाइस रॉय लॉर्ड चेम्सफर्ड। अ डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डायरकी वॉज प्रोवाइडेड फॉर द प्रोविंसेज अंडर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नाउ द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज जो कि रिजर्व थे और ट्रांसफर्ड थे, ओके। तो दस रिगार्डिंग ट्रांसफर्ड सब मैटर्स द एग्जीक्यूटिव पावर वॉज गिवन टू द प्रोविंसेज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो रिजर्व था, रिजर्व में केवल और केवल गवर्नर के पास पूरी राइट्स थी, और साथ लेकिन एग्जीक्यूटिव जो ट्रांसफर्ड मैटर्स में जो था वो गवर्नर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर थी सब्जेक्ट मैटर्स को में वहां पर लेजिस्लेशन करने के लिए। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट सी, ऑप्शन सी, दैट इज ओनली वन एंड थ्री। नाउ एज फार एज क्वेश्चन ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम इज कंसर्न, द प्रोविजन हैड ऑलरेडी बीन मेड बाय द एक्ट ऑफ 1909। इसको ऑलरेडी एक्ट ऑफ 1909 से कॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया था, बना दिया गया था। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कंटिन्यूड द प्रोविजन एंड ऑल्सो एक्सटेंडेड इट फॉर यूरोपियन इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन। अब इस एक्ट को देखिए कंटिन्यू किया गया किसके द्वारा, ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट का प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से लागू हुआ था, इसको 1919 में भी कंटिन्यू किया गया। अब इसके बाद किसको किसको दिया गया, सिक्स को भी दिया गया अलग से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे, भाई यूरोपियन
को भी दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दिया गया, और साथ साथ एंग्लो इंडियन को भी दिया गया। अब देखिए साइमन कमीशन कब आता है, 1927 में, ठीक है। साइमन कमीशन आपका आता है 1927 में, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लाया गया था तो ये बोला गया था, ठीक है। तो 1919 का जब एक्ट लाया गया था तो इसमें ये बात बोली गई थी कि 10 साल बाद जो है एक रिव्यू होगा इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, तो इसमें रिव्यू किया जाएगा, तो ये देखा जाएगा कि भाई क्या जो रिफॉर्म्स इसमें लाने हैं, जो एक्ट है कैसा चला है, क्या नेसेसरी चेंजेस करने हैं। लेकिन ये होना था 10 साल बाद, यानी कि 1929 में, लेकिन कर दिया गया कब, 1927 में। अब इसका काफ़ी लोगों ने बॉयकॉट भी किया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये एक नारा लगाया गया था वहाँ पे, ठीक है। तो अपना 1927 में साइमन कमीशन आया था, और 1932 में जो है क्या हुआ था, एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, पूना पैक्ट, ओके। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, और ये उस समय गांधी जी थे किस जेल में, येरवड़ा जेल, येरवड़ा जेल, ओके। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए रिजर्व सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इससे जो है एक्सटेंड किया गया था कि भाई इसमें केवल और केवल एक्सक्लूसिव पावर थी गवर्नर के पास। सेवन क्वेश्चन देखिए, इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, कि इंडियन लेजिस्लेचर जो है उसको बाई कैमरल बनाया गया, यानी दो सदनों का एक पार्लियामेंट बनी, किस एक्ट के द्वारा बना था, जो कि आज हम देखते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो दो सदन होते हैं उसको हम बोलते हैं कौन से वर्ड से, बाई, बाई कैमरल, ओके। इसको हम बाई कैमरल बोलते हैं, बाई का मतलब होता है दो, और अगर एक कहीं पर है, एक सदन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनी कैमरल, ठीक है, उसको बोलेंगे हम यूनी कैमरल। तो कई स्टेट्स में हम देखते हैं जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो कई सारी जो होती हैं एक्सेप्ट सेवन वो यूनी कैमरल हैं। सेवन असेंबलीज ऐसी हैं जहाँ पर बाई कैमरल हाउस है, दो सदन है। तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर ये कैसे हुआ था, किस एक्ट से क्रिएट किया गया था, ए है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, बी जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, सी है अपना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर टी जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस एक्ट के तहत ये हुआ था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन पहली बार इंडिया में लागू किया गया था। तो ये आपको बताना है बाई कैमरल लेजिस्लेचर किस एक्ट के थ्रू लाया गया था, ठीक है। तो अब करेक्ट आंसर इसका है सी, दैट इज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर जैसे कि हम जानते हैं एट सेंट्रल लेवल वॉज इस्टेब्लिश बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल लेवल पे। नाउ काउंसिल ऑफ स्टेट वॉज नोन एज द अपर हाउस विद ए टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का टेन्योर फिक्स किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल का। इसमें टोटल 60 मेंबर्स थे जिसमें कि 34 मेंबर्स जो थे वर इलेक्टेड एंड 26 नॉमिनेटेड, 34 जो थे इलेक्टेड थे और 26 जो थे नॉमिनेटेड थे। नाउ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वॉज नोन एज दी लोअर हाउस विद टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो खुद में पहला चैप्टर अपना हम पढ़ते हैं अगर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर जो है वो आता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि देखिए चार चार्टर एक्ट आए थे तो उसमें बहुत नेसेसरी चेंजेस किए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आता है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, फिर आपके चार्टर एक्ट आते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1858 के पहले पहले जो सभी एक्ट्स लाए गए थे वो भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और 1858 से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस एक्ट से, क्योंकि देखिए इधर हम पॉलिटी में पढ़ेंगे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या नेसेसरी चेंजेस किए गए, और मॉडर्न इंडिया में भी हम देखते हैं जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी, इंडिया फर्स्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी 1857 में, उसके बाद से ब्रिटिश फाउंडेशन जो थी इंडिया में, ब्रिटिशर्स की नींव जो थी वो काफ़ी हिल गई थी, वहाँ से फिर ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्राउन रूल सीधा डायरेक्ट आ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से।
क्राउन रूल आया, उसके तहत जो है गुड गवर्नेंस की बात बोली गई, बोला गया कि ये जो एक्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इट विल बी फॉर दी गुड गवर्नमेंट, ओके, इट विल प्रोवाइड प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन सिटीजन विल बी प्रोवाइडेड हियर इन द अंडर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद से जो है कैरेट एंड रूट की स्टिक, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी, ये सभी अप्लाई करते थे, बोलते कुछ थे होता कुछ और था, ठीक है। तो ये सारे एक्ट्स में ये हमको कॉमन चीज़ें मिलेंगी। तो आइए नाइन्थ क्वेश्चन, अब एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रिलिक ऑफ, कि आज के टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, इसकी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, ये इसकी छाप हम हिस्ट्री में देखेंगे तो कहाँ पर पाया जाता है। ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से इसकी छाप मिलती है। जो फिर बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, सी जो है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, यहाँ पे देखिए 1909 होगा, ओके 1909, डी जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये आपको बताना है कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू कर जारी करते हैं वो किस एक्ट में हमें छाप मिलती है, कौन सा एक्ट प्रिकर्सर था भाई ऑफ दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें देखिए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो इसमें प्रोविजंस रखे गए थे वो सिमिलर हैं ऑलमोस्ट, जो अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं। तो दो द ब्रिटिश इंडिया गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस विदाउट द परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो जैसे कि हम जानते हैं, देखिए इमरजेंसी की कंडीशन में भी ऑर्डिनेंस को जारी किया जा सकता है। एक तो वो हो गई कि भाई नेशनल इमरजेंसी जब लगी हो किसी भी स्टेट में, किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी में, किसी भी टेरिटरी में अगर इमरजेंसी लगी है तो वहाँ पे, या फिर दूसरा जो है कि भाई नेसेसिटी आती है आर्टिकल 123 के तहत जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ मैं आप सभी को करूँगा कि ऑर्डिनेंस को जारी क्यों किया जाता है। तो देखिए, दो द ब्रिटिश इंडिया गवर्नर जनरल जो थे उनके पास पावर थी कि ऑर्डिनेंस को जारी कर सकते हैं बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की परमिशन के, इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि प्रेसिडेंट की पावर जो है टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेज जो है आर्टिकल 123 जो है ये कहाँ से इंस्पायर है भाई, सेक्शन 42 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेक्शन 42 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, वहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बोल दी गई थी। अब देखिए प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस जारी करते हैं वो है आर्टिकल 123। अब किस केसेस में जारी करते हैं, कि देखिए सेशन होता है लोग पार्लियामेंट पार्लियामेंट का, ओके, तो हमारे जैसे विंटर सेशन हो गया, समर सेशन हो गया, तो कोई भी दो सेशन के बीच का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होगा, मैक्सिमम गैप होगा वो होगा 6 मंथ्स का, ठीक है, 6 मंथ्स का होगा। मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, यानी कि दोनों हाउस एबसेंट हैं अभी सेशन में नहीं है, तो और कोई अचानक से नेसेसिटी पड़ गई, किसी एक काम को करने के लिए नेसेसिटी पड़ गई जिसके लिए एक्ट का होना ज़रूरी था लेकिन उस समय पार्लियामेंट सेशन में तो है नहीं और अचानक से उसको बुलाया नहीं जा सकता है, तो इस कन्वीनियंस के लिए कि जब भी कोई इमरजेंसी में नीड पड़े, ठीक है, एक्ट बनाने के, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दे बाई आर्टिकल 123। अब प्रेसिडेंट वर्क करते हैं कैसे, ऑन द एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से ये काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो उनकी सुनेंगे और वो ऑर्डिनेंस को जारी करेंगे। तो उस समय जो नेसेसिटी थी कि भाई हाँ ऑर्डिनेंस जारी किया जाना चाहिए वो खत्म हो गई और काम भी हो जाएगा। उसके बाद जब पार्लियामेंट रीअसेंबल होगी तो उस पर विचार होगा कि भाई उसको मंजूरी देनी है या नहीं, अदरवाइज इट विल सीज टू एग्जिस्ट। और प्रेसिडेंट को जो है देखिए ऑर्डिनेंस जारी करने वाली सिचुएशन जब होती है तो प्रेसिडेंट को इसमें सेटिस्फाई करना होगा कि हाँ भाई जो कंडीशंस हैं जो यहाँ पर डेवलप हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात जो की जाती है सेंटर और स्टेट के बीच में संविधान में हमारे बात की गई है वो किस
एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर किस प्लान के अकॉर्डिंग है? ए है मुरले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, ओके मुरले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919। सी है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड डी इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। किसके तहत जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है ये आपको बताना है यहाँ पे। मुरली मिंटो रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना ऑप्शन सी, दैट इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919। क्यों हो जाएगा आइए देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर की जो बात की गई है, ठीक है सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, वॉज मेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ इट डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड रिप्लेस्ड डायआर्की इन प्रोविंसेस विद डायआर्की एट द सेंटर। ओके डायआर्की जो सेंटर में थी उसको हटा के डायआर्की प्रोविंसेस में जो थी उसको रिप्लेस करके डायआर्की को सेंटर में ले आया गया, यानी कि डुअल गवर्नमेंट को जो ट्रांसफर और रिजर्व लिफ्ट वाली बात थी। द एक्ट ऑल्सो इन्विसाइज्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेडरल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसकी भी बात की जाती है, तो उसकी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है हमको, वो मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ बोथ इंडिया एंड सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, हाउएवर दिस पार्ट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड। बढ़ेंगे आगे, हम आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कौन सी चीज़ इनमें से जो है परमानेंट नहीं थी, परमानेंट एक स्ट्रक्चर नहीं था? ए जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, बी जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, सी इज एनविसाजिंग ए स्कीम ऑफ फेडरेशन एंड डी इज नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स टू दी लेजिस्लेचर। इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए बी सी डी में बताना है हमको। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या नहीं था, इनमें से एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसा चीज क्या नहीं था जो कि अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए हो जाएगा कि अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात नहीं की गई कि हाँ एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है ये जो कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना था 1935 का उसमें क्या चीज ऐसी बोली गई जो इनमें से गिवन ऑप्शंस में से अडॉप्ट नहीं की गई थी। ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या ऐसी चीजें थी जो नहीं थी वो बताना है यहाँ पे। तो कि एक लिखा हुआ संविधान होना चाहिए देश के लिए, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओके इसीलिए ऑप्शन जो ए जो होगा अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ संविधान जो है इसकी बात पहले ही कर दी गई थी क्रिप्स मिशन में। इसके बाद जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए आगे चल के क्रिप्स मिशन में बोली गई थी, प्रोविजन फॉर ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री जो है इट वॉज नॉट मैंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इट वॉज मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द क्रिप्स मिशन। रेस्ट ऑल थ्री जो बाकी और तीन जो हैं ये हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सेलियंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कि इनमें से क्या जो है एक फीचर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, यह आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए जो है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, की एक संघीय ढांचा होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए सभी जो प्रोविंसेस थे उनका। बी जो है रेजिडरी सब्जेक्ट जो थे वो एलोकेट कर दी जाए किसको, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को। ठीक है फिर सी जो था कि इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी
और डी जो था ये इट एबॉलिश्ड दी डायआर्की एट दी प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस इट एट सेंट्रल लेवल। अब इसमें इसमें अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तब तक देखिए मैं बता दूं आप सभी को कि क्रिप्स मिशन क्या था, कि क्रिप्स मिशन जो है आया था कब, 1942 में। ओके, एक अटेम्प्ट था मार्च 1942 में ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा, और मिशन को हेड किया गया था किसके द्वारा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनका नाम आपको याद रखना है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसको हेड किए थे, और साथ साथ इसमें अदर मेंबर भी थे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है भेजा गया था, माफ कीजिएगा, इसको 1942 में भेजा गया था, और 1939 से 45 तक जो है वर्ल्ड वॉर टू चला था, जिसमें कि इंडिया का सपोर्ट लेने के लिए भेजा गया था इसको, क्रिप्स मिशन को। ओके, और वहाँ पे बात की गई थी कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, इसी आधार पे कि जब लोग वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया को सपोर्ट करेंगे यहाँ के लोग। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी जो है, देखिए ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट आंसर होगा, रेविडोरी सब्जेक्ट जो थे वो एलोकेट कर दिए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को। ये एक फीचर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। रेविडोरी सब्जेक्ट जो थे वर नीदर एलोकेटेड टू दी सेंट्रल नॉट नॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक है, रेविडोरी पावर्स वर वेस्टेड इन दी गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रेविडोरी पावर जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराए गए थे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आप सभी के सामने क्वेश्चन को पुट कर रहा हूं मैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब जो काफ़ी प्रेवलेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है कि इट इज़ दी मेन सोर्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है उसका एक मेन सोर्स है। बी जो है इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। सी है इट इन्विसाजेस पार्टीशन ऑफ इंडिया। एंड डी इट एबॉलिश्ड द नेटिव स्टेट्स। ओके, सो यस ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, दैट इट इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज व्हेन वी सी दैट वेरियस थिंग्स वर टेकन, वेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स विच टुक 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, तो उस टाइम क्या हुआ था कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो इट वर्कड एज अ ग्रेट सोर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स। 1935 में आया इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेनी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट हम देखते हैं, डायरकी एट द सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट का प्रोविजन जो है, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, यानी कि एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए दोनों के लिए एक, ये सभी चीज़ें ली गई थी कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजन्स थे, जैसे कि 10% वोटिंग राइट्स प्रोवाइड कराए गए थे और एक आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट की बात बोली गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, किस एक्ट के तहत सेपरेशन हुआ बर्मा का इंडिया से, बर्मा जो मॉडर्न डे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी जो है अपना करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन है ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड डी इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। किस एक्ट के तहत जो है बर्मा को अलग कर दिया गया था ये बताना है आप सभी को। ऑप्शन ए बी सी डी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919, 1935 और 1947। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर एकदम सही है, अपना हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी पीछे हम बात कर रहे थे फीचर्स के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, तो वहां पर हमने देखा था कि बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाई कि जो ठीक है कि जो प्रोविजन रखा गया था, प्रपोजल था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए भारत के लिए, वो प्रपोजल किसके द्वारा रखा गया था? ए है साइमन कमीशन, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी जो है क्रिप्स मिशन, एंड डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। किसके द्वारा ये बात प्रपोजल रखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनना चाहिए, भारत का संविधान जो है एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा होना चाहिए, ये किससे बात बोली गई थी? ऑप्शन ए बी सी डी में आपको बताना है। ओके, तो देखिए क्रिप्स मिशन आया था कब? 1942 में, वर्ल्ड वॉर टू के लिए वहां पर एक तरीके से कोऑपरेशन मांगने आए थे, ठीक है सर। स्टैफोर्ड क्रिप्स इन्होंने इसको हेड किया था, और इन्होंने बोला था कि जो इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और इलेक्टेड लोगों के द्वारा चुनी जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाई द क्रिप्स मिशन इन 1942। तो सभी का आंसर यहाँ पे जो है अपना करेक्ट है, ऑप्शन सी। अब आइए देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपना यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्री में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल इन रेफरेंस टू कोलोनियन रूल इन इंडिया वॉज। अब इल्बर्ट बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में भी आ चुका है, ठीक है। इल्बर्ट बिल की रिगार्डिंग कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन उद्देश्य मेन पर्पस इसका क्या था? ए जो है टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पीनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट वॉज कंसर्न, कि भाई यूरोपियंस जो थे और साथ साथ इंडियंस जो थे उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, इक्वलिटी बिफोर लॉ की जो बात की जाती है वो होना चाहिए, सबको इक्वल पीनल ज्यूरिडिक्शन जो है सब पर बराबर लगना चाहिए। दूसरा जो है टू पुट अ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन लोकल प्रेस बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एंटी कॉलोनियल रूलर्स। सी जो है टू कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम्स इन इंडिया टू एनकरेज इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन इट, और डी जो है टू अमेंड द आर्म्स एक्ट फॉर वेपन परमिट टू इंडियंस। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी ट्राई करिए ऑप्शन ए बी सी डी में कि इल्बर्ट बिल का एक मेन उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था। तो देखिए मैं एक तब तक यहां पे आपको बता दूं कि इल्बर्ट बिल जो आया था 1883 में, इल्बर्ट बिल आया था अपना 1883 में, तो एज मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग, अच्छा ठीक है चलिए मेजोरिटी का है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो होगा इट विल बी करेक्ट हियर, बिकॉज इल्बर्ट बिल आया था 1883 में और इसका सब्जेक्ट मैटर यही था कि पहले क्या होता था कि भाई इंडियंस के लिए अलग कोर्ट है, यूरोपियंस के लिए अलग कोर्ट है। अब इंडियन के जो वहाँ पे जजेस हैं वो इनको वहाँ पर प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल इंडियंस के लिए कर सकते हैं। बाद में जो है ये चीज़ें इल्बर्ट बिल के तहत बोली गई थी कि सेम होनी चाहिए। तो इल्बर्ट बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1883 में फॉर ब्रिटिश इंडिया बाई वाइस रॉय रिपन। किसके द्वारा लाया गया था? वाइस रॉय थे लॉर्ड रिपन। ये नाम याद रखना अपना आपको कि इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और उस समय अंडर हुज वाइस रॉयलशिप, तो वो थे लॉर्ड रिपन हु प्रपोज्ड एन अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग लॉज। एक अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज किया जो उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे लॉज की कंट्री में, कि एट दैट टाइम टू अलाउ इंडियन जजेस जो हैं और साथ साथ मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास ये पावर हो, उनका अधिकार क्षेत्र है, जो उनका ज्यूरिसडिक्शन है वो बढ़कर ब्रिटिश ऑफेंडर्स जो थे क्रिमिनल केसेस में, जो ब्रिटिश ऑफेंडर्स थे उनको भी वहाँ पर समन किया जा सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, समथिंग विच वॉज नॉट अलाउड एट दैट टाइम, ठीक है। तो इंडियन जजेस और मजिस्ट्रेट जो थे उनके लिए उनके ज्यूरिसडिक्शन में ये चीज़ नहीं थी कि
कि वो ब्रिटिश ऑफेंडर्स जो थे क्रिमिनल केसेस में उनको भी वहाँ पर प्रोसिक्यूट कर सके। तो ये था सब्जेक्ट मैटर अपना इल्बर्ट बिल का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस वन रिप्रेजेंटेटिव वॉज इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा जो है उसमें बोला गया था कि भाई इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। अब वो इलेक्टेड मेंबर, एक इलेक्टेड मेंबर कितने पॉपुलेशन पे चुना जाएगा? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख एंड 15 लाख। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्विकली आंसर इट। ऑप्शन ए बी सी डी में राइट, जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 लाख। ओके, तो भाई कैबिनेट मिशन जो है आया कब? 1946 में। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। मिशन ने एक प्रपोज किया कि एक फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होना चाहिए टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन यूनियन। भारतीय संघ के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि संविधान बनाने का काम करेगी, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंसेस वर बेस्ड इन इन दी पॉपुलेशन रफली वन रिप्रेजेंटेटिव ओवर 10 लाख पॉपुलेशन, कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो था वो 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसका कौन मेंबर नहीं था? ये रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स है कि कई बार पूछा गया सवाल है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या फिर ए बी अलेक्जेंडर, बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या फिर ए बी अलेक्जेंडर। तो आई होप इसका आप सभी आंसर दे पाएंगे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट धीरे धीरे आप सभी का यहाँ पर आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ओके मोनू, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी लोग का तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये सभी लोग जो थे मेंबर थे कैबिनेट मिशन प्लान के, बट विलियम वुड जो थे इसके मेंबर नहीं थे। सो द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन वॉज सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड ए बी अलेक्जेंडर। विलियम वुड वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। नाउ अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन यहाँ पे अपना राइट। अब देखिए 18th क्वेश्चन है कि इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मड इन द 1946 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राइट, वुड्स डिस्पैच जो थे, वुड्स डिस्पैच विलियम वुड के द्वारा, ठीक है, बी सी जो है सी राजगोपालाचारी और डी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे वाइस प्रेसिडेंट इंटरिम गवर्नमेंट के जो कि 1946 में आई थी? ऑप्शन ए बी सी डी। इंटरिम गवर्नमेंट देखिए 24 अगस्त 1946 को इसका फॉर्मेशन किया गया, अनाउंस हुई थी इंटरिम गवर्नमेंट 24 अगस्त 1946 में। ओके, और ये बोला गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है चार्ज लेगी बाई सितंबर टू 2 सितंबर 1946 तक जो है ये चार्ज ले लेगी अपना। ओके, तो एक लोग का आंसर आया है यहाँ पे नेहरू जी का कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जो है। तो देखिए ऑन अगस्त 24 1946 इंटरिम गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड ऑन अ कंडीशन दैट द इंटरिम गवर्नमेंट वुड टेक चार्ज लेटेस्ट बाई सितंबर 2 1946, एंड वाइस रॉय वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। प्रेसिडेंट कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल? वाइस रॉय वॉज द प्रेसिडेंट, एंड वाइल पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज डेजिग्नेटेड ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो पंडित नेहरू को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
नाउ क्वेश्चन नंबर 19 तब देखते हैं कि हु गेव द आइडिया फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि काम क्या होगा उसका, संविधान बनाने का। ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 एंड ऑल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1946। क्या होगा अपना करेक्ट आंसर? ए बी सी डी में कि भाई किन्होंने आइडिया दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिससे कि फॉर्मेशन होना चाहिए किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए, दैट इज स्वराज पार्टी। 1934 में स्वराज पार्टी जो थी फॉर्म की गई थी कहाँ पे? रांची में। रांची में इसका फॉर्मेशन हुआ। द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड एट रांची इन मे 1934। इट सॉट द राइट ऑफ सेल्फ डिसीजन और सेल्फ रूल एंड मेड प्रपोजल फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ दिस वॉज टू बी कंपोज ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड ऑन अ बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज एंड इट वॉज फर्स्ट ओकेजन बाई विच इंडियंस डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये संविधान सभा होनी चाहिए और बोला गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। नाउ 20th क्वेश्चन इज हियर। देखते हैं कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर, कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कि ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कौन थे? पहला है कि भाई नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनका नॉमिनेशन जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया गया। बी जो है वो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। सी जो है इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली और फ्रॉम वेरियस प्रोविंसेस, और डी जो है इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। बताइए इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ऑप्शन ए बी सी डी में करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट, ऑप्शन सी जो है अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि द पीपल ऑफ वेरियस प्रोविंसेस जो कि इलेक्ट किए गए थे, वेरियस प्रोविंसेस के लोग इलेक्ट किए थे फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाई डायरेक्ट इलेक्शन एंड द मेंबर्स ऑफ दीज इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सभी क्वेश्चंस रहे, 20 क्वेश्चंस अपने इस सेशन के। एक बार क्विकली विल गो थ्रू क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं और ये अपने अपकमिंग एग्जाम जो भी हैं, सी डी एस है, एफ कैट। तो सी डी एस के आई होप सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया है और एफ कैट का एग्ज़ाम जो है 16th और 17th फरवरी में होने वाला है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं इनको आप रिवाइज करते रहिएगा और प्लेटफॉर्म पे जो है ऑलरेडी मेरे कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिनमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ और डेली वोकैबलरी भी चलती है, जैसे कि इंग्लिश के पेपर में हेल्प मिल सके। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी से क्वेश्चन है, बुक्स एंड ऑदर से क्वेश्चन है, उन सभी का आप एक्सेस ले सकते हैं वहाँ पे फॉलो करके। आप ये भी वहाँ पर नोटिफिकेशन के थ्रू आपको अपडेट मिलती रहती है अगर आप मुझे फॉलो करते हैं वहाँ पे जो भी नए नए कोर्सेज आते हैं। ज्योग्राफी के भी मॉडर्न इंडिया क्रैश कोर्स चल रहा है, ज्योग्राफी से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जो मेजर ऑयल रिफाइनरीज हैं, इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, स्टील इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके से कई ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर प्रेजेंट किया है मैंने, सॉइल से क्वेश्चन प्रेजेंट किया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर रखे गए हैं। तो उन सब का आप वहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, आपको बस करना इतना है कि आप सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पे बाय दिस नेम, अखिलेश यादव के नाम से सर्च कर सकते हैं और आपको वहाँ पर ऐसी प्रोफाइल नज़र आएगी, आपको फॉलो करना है। और हाँ, कोर्सेज जो भी कोर्स आप देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है कि कोर्सेज अगर आप देख रहे हैं तो उसमें एनरोल ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे लेसन्स ऐड होते रहते हैं तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी कोई नया लेसन ऐड होता है उन सभी पर्टिकुलर कोर्सेज में। और
कोई भी पार्ट देखें आप, पार्ट वन से देखें, कोई भी कोर्स देख रहे हैं तो पार्ट वन से देखें, तभी चीज़ों जो हैं आप रिलेट कर पाएंगे, और चीज़ों को रिलेट करके हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो तभी वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए हमारे माइंड में सेट हो पाती हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर्स है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैंने कवर करा दिया, जैसे कि प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन टेरिटरीज, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का देखिए, वहाँ पर जो लोग जाते हैं, अगर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स देखेंगे आप, तो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वो अलग से मैंने एक कोर्स के थ्रू पढ़ाया है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट हो गया, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया उसके साथ, और साथ साथ इंडियन जुडिशरी जो है, वो सभी चीज़ें मैं अलग से वहाँ पर कोर्स बना के पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे अब अगले सेशन में जो है, और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट्स को भी हम समझेंगे, और पॉलिटी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स को भी हम एम्फेसाइज करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस कोर्स। ये सेशन जो है ये काफ़ी इंटरेक्टिव रहा है, ठीक है, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं यहीं पे, मिलेंगे अपने अगले सेशन में।